ये वाह वाह वाह, ये भाभी ने गरम गरम, ये देखो ये रिवाज भी बहुत बढ़िया है हमारे घर में। बिचार लेडीज ठंडा खाए ले पर जेंट्स को गरम के, इसीलिए सभी जेंट्स बहुत गरम रहते है। तो जी संडे का दिन दोपहर के 12 बज चुके हैं, बहुत ज्यादा लेट वीडियो स्टार्ट हुआ है। उसका रीजन ये है कि आज सवेरे से सब लेट ही चल रहा है। हाउ आर यू ऑल डूइंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। हमारे घर पे बढ़िया से मेहमान आए हैं। यस कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। कैसा चल रहा है विसावदर में? एकदम बढ़िया सब है ना। धंधा पानी? धंधा पानी चाका जाम, चाका जाम, चाका जाम। धंधे पानी के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले के जी अब जी गुड मॉर्निंग। शनिवार कल था तो आज हनुमान दादा को चलेगा हर दिन देने का, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमारा जो घर का मेन जो रूम है वो किचन है, और किचन में आज भाभी है। जो भाभी जय श्री कृष्ण, सारो है ना, बहुत सारा। साथ ही साथ भाभी की बहू भी आई है, केम छो? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। है आज तो तुम्हारे साथ देने वाले लोग आ गए तो आज तो आपको बहुत खुशी होगी। और हाँ, घर साफ करने का जो टाइम है ना, उसमें आज ब्रेक हुआ है। उसका रीजन क्या है? वो काम वाले बहन है ना, हाँ, उसको कुछ किसी की खबर पूछने के लिए जाना था, तो वो आज नहीं आने वाले। अच्छा, ओके। और भाभी विसावदर कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। विसावदर का वातावरण कैसा है? अभी एक महीने से भाभी सूरत में ही है। अच्छा, सूरत में ही हो। थोड़ी थोड़ी गर्मी हो भाई, थोड़ी थोड़ी गर्मी हो ना। तो आज क्या बना रहे हो हमारे लिए? बटेटा वड़ा, रस, रोटली। वाह भाई वाह, श्रीखंड तो अभी हम लेके आए। तो पछि एवं बधु भेगू केम करू भाई, बधा मजा आवे खाई पी मौज करने का। यहां पे सब, हां ये देखो गाइस, आज का मेन्यू बहुत बढ़िया है। तो गाइस संडे पूरा वसूल होने वाला है। अल्फोंसो कैरी नहीं है, रस है केसर का। और मम्मी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बाका काना बा के हाथों से खा रहा है अभी, क्योंकि बहुत दिनों से खाया नहीं था ना। तो अभी ये देखो, डिस्टर्ब नहीं करने का टीवी में, डिस्टर्ब नहीं करने का। ठीक है गाइस, बने रहिए एंड तक, देखिए कुछ ना कुछ नया करेंगे, एंजॉय करवाएंगे, एंटरटेनमेंट होगा। संडे का दिन चाका जम मचाएंगे। पापा गए वाड़ी पे एज यूजुअल। एक चीज हुई थी कि कल रात को हम लोग गए थे लाली भाई के घर पे, जैसे मैंने बताया, तो वहां से हम लोग गए थे भजिया खाने के लिए रात को 1 बजे। बातें करते करते वो बजरंग भजिया वाला है आउटर रिंग रोड, आपको पता है तो लाइक करो, वो वीडियो आप देख लो थोड़ा। तब तक हम लोग यहाँ पर सेटिंग करते हैं, बाद में कंटिन्यू करते हैं। लाली भाई स्पेशल भजिया लाना है रात का, कितना होएगा रात का? 12 होएगा मित्र, 12 ही है मित्र, 12 होएगा भजिया खा, भजिया बड़े जे होई हाल से। डॉक्टर ना पड़े भजिया, भजिया खाया बड़ा मजा आलो आलो। डॉक्टर ना पड़े नो कोए तो आ मिला हो जा। लाली भाई ये 2 किलो ले लियो, 2 किलो बासा ले जाओ मित्र। आप जो 500 जा आपको ये ना भाई જિંદગી માં પહેલી વાર લાલી ભાઈ અમને રાત્રે 12:30 વાગે લઈને આવ્યા છે। 1 કિલો ભજીયા અને 250 ચિપ્સ। સરસ, ચાલો 1 બજે લોકો એમને સુરત માં ભજીયા કેટલા ખાય? હા હું ઈ જી જરા જો ભજીયા ઓ હોય काउंटर है और यहाँ पे सब लोग खड़े हैं और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए, बाहर नहीं देंगे, बाहर आपको वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे बैठ के खाना पड़ेगा। थैंक यू भाई, वो आनंद थे तुम्हें साफ कर दी तू रात बा मेहनत की करे थे भाई नीतरी रात को आप इंग्लिश में बोलो लाली भाई, आप इंग्लिश में बोलो लाली भाई। आपने बोलो भाई, आपने बबड़े जाए समझे ना, ना अमेरिका जाने का है ना। बोल भाई कांदा टमाटर लेमू बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। भजिया तुम जो लाली भाई, अमेरिका मैं क्या बोलता हूँ, भजिया की लारी अमेरिका में खोलनी है भाई। बो हालो अकेम बा अकेम लो छो और भजिया खमण करियो ने जिंदगी में। हां बाप घटेने भी आपड़े घर नहीं जाएंगे, ज्यादातर जेंट्स ही है अपनी अपनी पत्नियों को घर पे छोड़ के ही आए हैं, पहले पर्सन है जो अपनी बीवी के साथ आए। वाह भाई वाह, नहीं गाड़िया मिले पहले आने दे, बदल मिले वो ओ
લાઈટ ચાલી ગઈ. વાહ ભાઈ વાહ, વાહ ભાઈ વાહ. ये राइडो ना कहीं नो आने लाइट क्यों है, आप तो आदि ने क्या कहीं लेते हैं कैंडल लाइट डिनर हो गया इतनी डाबित लाइट क्या लग रही है सुबह एम ने पर आका कन मगज है बहुत गया चे दी बिचार बहुत था कि ये फ्रस्ट्रेशन बद्दू बहुत तरसे उला लाइट लाइट तो ठीक है रेडी पर कैंडल लाइट डिनर हो गया अभी पर उन दियो दियो करो दियो हम दियो दियो करो दियो करो हां अभी बढ़िया है मेरे मुंह पे लाइट आ रहा है 155 नंबर हमारा नंबर कितना है हमारी पर लाइट अपॉर्ट है हूं हां नंबर कितना है 158 159 1 किलो भुजिया 159 नदी सॉरी 158 वाह वाह सिर्फ फूल मैं वो हारू मैं कहूं अंदर भुजिया मां हूं खाई जाए हूं खबर पड़ लाइट तो आवाज यहां पे नंबर वाइज चलता है तो अभी 155 नंबर चल रहा है हमारा 158 है फूल भरा हुआ माहौल एकदम भाई इतना ज्यादा काफी मेनू है समझा इतना भुजिया खा लवर जाए मेरे को लगता है पांच ना भुजिया 4-5 लाख रुपए का काउंटर होता होगा आपका स्टॉल एक बाजू में आप और जयदीप भागीदार में रख दो 151 देखो 55 के 51 आ गया मौज करेंगे लाली भाई को पसीना छूट गया है अभी रात को 1 बजे भजिया खा रहे हैं तो सुबह का भाकरी नहीं खाएंगे तू अटली गरम क्या हम सो मन एड़ से तो गरम हॉट अच छू पहले ओ माय गॉड के मैं डबल आ से सिंक कर मैं डबल आ सिंक ला भी जंदा आपको प्रूव करो प्रूव करे प्योर सिंक ला भज जाए हेलो 159 छे ने वाह ये हमारा पहला प्लेटर आ गया है 159 હવે પેન્ટ માં જગ્યા નથી અરે સાખું બહુ પણ હવે જગ્યા હોય છે ને અમે બજરંગ ભજિયા માં આવ્યા હતા ફ્લેશબેક તો જી ગરમા ગરમ ગોટા ગરમા ગરમ સબ્જી ઓર ઠંડા ઠંડા રસ ઓર બહુ બઢિયા તો ગાઈઝ क्या आपके घर में ऐसे आसनिया पाथरते हैं जब मेहमान आते हैं अगर पाथरते हैं तो हम मेहमान आते हैं तभी पाथरते हैं वरना हम बेड में ही रखते हैं हमको भी भूख ही इतनी होती है कि पाथरने वैसे बोलता जाता है भजन और भोजन कभी आसन के बिना किया नहीं जाता लेकिन हम कर लेते हैं चल जाता है बहुत बढ़िया यहाँ देखो भजन होने वाला है बहुत बढ़िया बैठ गए है पीरसने आए है मम्मी आसन का इम्पोर्टेंस क्या है बता दीजिए आसन क्यों लगाते हैं सीधा भोई पर नहीं बैसवानो सीधा भोई पर नहीं आसन महत्व घणो मोटू है तो ज आसन पाथरी बेहारे ने सरस वेरी पूजा पाठ करिए त्यारे आसन नाखी ने बेहवानो खबर ई रीते आपणे भोजन नो महत्व बहु होय ने तो आपको पता है आसन से पहले क्या था हमारे जो बुजुर्ग लोग है वो आसन से पहले वो पाटला डाल के बैठते थे हाँ पाटला ऊपर थाली रखता हाँ नीचे हाँ ना ना पाटला ऊपर बैठता थाली नीचे रखता थाली पाटला ऊपर रखता એટલે ભોજન નું સ્થાન ઊંચું રાખતા અચ્છા એસા થા એસા થા પેલા મેરે કો ક્યું એસા લગ રહા હૈ કે થાળી નીચે થા હા સંગત પાડતા ને હા ત્યારે પછી પાટલા માં જ બેહતા ઘણા અચ્છા તીસણિયા હતા ખબર ઓય ઉસને દેખો ક્યા કરતો કાનો યે દેખો બાતો હી બાતો મે સલાડ તો હવા મે ઉલ રહા હૈ એનીવે બહોત બઢિયા આપકો ક્યા લગતા હૈ કે યે જો રિવાજ હૈ વો વાપસ આના ચાહીએ યા નહીં આના ચાહીએ થોડા કમેન્ટ કરને કા હા બતાવો કાઈ ને ડીશ થઈ જાય ને પછી તું લે હા ડીશ થઈ જાય પછી દેખાતે ને પૂરા આ તો 56 ભોગ હે ચલીએ છોકરા ગુજે ચલીએ યશ ભાઈ બોલીએ આપકો એક સવાલ પૂછના ચાહતા હું બતાઈએ અભી માર્કેટ મે સબસે જ્યાદા ટ્રેન્ડિંગ ચીઝ ક્યા ચલ રહી હે અભી માર્કેટ મે સબસે જ્યાદા અભી રૂપાલાજી ચલ રહા હે પોલિટિક્સ પોલિટિક્સ ચલ રહા હે જા અભી દેખો વહા પર વહી ચલ રહા હે હા તો વહી ચલ રહા હે તો સહી ખાને પીને કી બાબત મે ઓર ધંધે કી બાબત મે ક્યા ચલ રહા હે ધંધે કી બાબત મે વૈસે તો સોચીએ તો હમ તો કોઈ લેવાલે હે તો હમકો કોયલા હી દિખતા હે સબ કાલા હી દિખતા હે સહી બાત હે હા દૂસરા કોઈ દિખતા નહીં હે કોયલે મે સે ક્યા અચ્છા બન સકતા હે વો સબ દિખતા હે હા વો રનિંગ ફ્યુલ હે ઇન્ડસ્ટ્રી કે લિયે તો કોયલે વાલે કો સબ કોઈ બિઝનેસમેન માઇન્ડ બહુ હે તો કઈ પે પીછે નહીં પડતે હૈ ધંધા ઢૂંઢ લેતે હૈ
कोयले में क्या क्या होता है भाई? वैसे तो कोयले जलाने के लिए यूज होता है, फ्यूल एज ए फ्यूल बॉयलर में यूज होता है। वैसे कोयले में अलग अलग टाइप आते हैं, इम्पोर्टेड कोल आता है जो बाहर से दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं, और दूसरा व्हाइट कोल आता है। ज्यादा मेरा काम व्हाइट कोल में, जो एग्रीकल्चर वेस्ट गाँव में जो खेडूत लोग फार्मर लोग है वो जला देते है कॉटन स्टोर को वो सब वगैरह, तो वो जो वेस्ट होता है उसमें बाइंडिंग प्रोसेस करके वो सही जगह पे यूटिलाइज हुए वैसा है। तो क्या बात है, वो रिसाइकलिंग प्रोसेस है। क्या बात है कि भाई यश भाई बहुत सारे लोगों को रोजगार देते हैं, ऐसा अकेला काम नहीं करता है, फार्मर को बेनिफिट देता है। अभी तो वो पहले तो जला देते थे, अभी उसको हम पैसा देते है फार्मर लोगों को कि भाई आप वैसे जलाओ मत, वो मटेरियल हमको दे दो, हम उसका रिसाइकलिंग करके रीयूज में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया गाइज। तो ये थोड़ा अच्छा सुनने को मिला, ये बातें करके अभी भूख भी बहुत लग गई है, मुंह में पानी भी आ गया है। यश भाई आइए, चलिए चलाओ। तो गाइस ऐसा है, जब भी कोई मेहमान आते हैं ना, बातें चीजें करके कुछ नहीं। ये देखो इधर बोबड़ा गया है, फुल प्लेटर रेडी हो चुका है, इसमें रोटी बच गई है ऐसा लग रहा है मेरे को। रोटी वैसे क्या होता है जयदीप, मेहमान को हम खाने पे बुलाते हैं ना, मेहमान आसन ग्रहण कर लेने के बाद रोटी पिरसते हैं। अच्छा ऐसा होता है, रोटी और पूरी बाद में होती है। पूरी भी है? पूरी नहीं है। अच्छा अगर होती तो होती तो होती आज नहीं बनाई। तो ये है, ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप लोग देख लो इतने आइटम आज मेहनत करके अभी ने सारिका जी ने सबने बनाई है, अभी हम लपेटेंगे फिर थोड़ी देर बाद। पानी पूरी नहीं खानी हमको, स्टार्टर में पानी पूरी जेंट्स लोगों को गरम गरम देते हैं, लेडीज ठंडा खाए ले पर जेंट्स को गरम के, इसीलिए सभी जेंट्स बहुत गरम रहते हैं। वो बात किसी को नहीं पता, लेडीज गरम गरम खिला के वैसे ही पुरुष को गरम कर देती है। शाम का टाइम, फ्रूट का टाइम, वाटरमेलन टाइम, बहुत बढ़िया। ये था हमारा संडे का दिन। मम्मी और हार्दिक गए हैं हमारे मौसी के घर पे, वहाँ पे क्या है सारिका, क्यों गए हैं ये लोग? मम्मी के छोटे बहन है, उषा मासी का, उषा मासी हाँ, सबसे छोटे बहन है। हाँ, तो उनकी लड़की है ना, उसके वहाँ पे बेटी का जन्म हुआ, बहुत दिनों हो गए, लेकिन वो जबला देने का रिवाज होता है ना, व्यवहार बोलते हैं, तो मम्मी को वो बाकी था, तो मम्मी अभी गए, वो लाला भाई पेंडा देने के लिए गए हैं, तो साथ ही साथ मम्मी भी गए, मम्मी और हार्दिक भाई, ताकि हमारा व्यवहार भी साथ ही साथ हो जाए। वेरी गुड वेरी गुड। आपको क्या हुआ सारिका, लगता बहुत है तुमको यार। हाँ बेटा बोलो, नीचे जाना है बेटा आपको खेलने, पहले फ्रूट्स नहीं खाना है, वाटरमेलन। हेजू तुझे पता है कल बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, तूने वो हाउस बनाया ना चकली का, वो सबको बहुत अच्छा लगा, तो आज तूने क्या बनाया? कुछ नहीं कुछ नहीं, आज तूने गोला खाया, मुझे दिख गया तेरे लिप्स ब्लैक ब्लैक हो गए हैं। गोला पार्टी करी थी ना दोपहर को, है ना, मुझे पता चल गया, सब मेहमान को गोला खिलाया, खुद भी खाया। वैसे समर में मेहमान को आइसक्रीम तो सभी लोग खिलाते, तो हम लोगों ने गोला खिलाया। यस, और कनिष्क अकेला है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आई डोंट नो कनिष्क वहाँ पे क्या कर रहा है, वो देखना पड़ेगा। बाका ही गया बाहर गया, अकेला अकेला मुमरा बीन रहा है यहाँ पे। चलिए अभी वाटरमेलन टाइम यहाँ पे होगा, चका चक, ये देखो सीधा बैठ जाए। सरस, दो बच्चे करने का एक फायदा तो है ही, एक बच्चा दूसरे को संभाल लेता है। अभी एजू, मैं कभी भी कुछ भी काम करती हूँ ना, तो एजू को बोल दे एजू भाई का ध्यान रखना, तो वो रख ही लेती है। yes, वैसे yes. वो थोड़ा शैतान है, वो चीज से पारता रहता है, लेकिन एजू पूरा पूरा ध्यान रखे, इवन वो सुसु करे कुछ भी हो ना, एजू चड्डी भी बदला देती। वाह भाई वाह, एजू आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, यू आर अ गुड गर्ल है बेटा, थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ कनिष्क। You welcome. तेरा वो चकली का घर ऊपर ही है, उसको वहाँ पे कहाँ पे सेट करना है बताओ अभी, कहाँ पे कहाँ? हाँ बेटा खाओ खाओ, लगता है ना आपको तो हिचका में काना पड़ देना। हिचका में काना पड़ने का? हिचका में कैसे काना पड़ने का? ऊपर हाँ, फिर और बाद में वो दोरी को काट देनी बच्चे से, उसके बाद ऐसे गांठ मार देनी ऊपर। ओके, और फिर वहाँ पे टिंगर देने का। वेरी, उससे अच्छा झाड़ में टिंगर दे तू, ट्री में चकली को वधर अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा ज्यादा है। ट्री पर चकली उड़ेगा ना, हाँ तो हाउस ऊपर है ना, वो वॉशरूम कर जाती है। ओ चड्डी नहीं पहनती? हाँ बेटा सुन, तो चकली चड्डी नहीं पहनती है। हाँ सुन बेटा, आपो आपो
गाइज अभी माहौल ऐसा क्रिएट हो चुका है कि पंखा चालू करने का भी मन नहीं हो रहा है। उसका रीजन ये है सारिका के पंखा में से भी गरम गरम लू निकल रही है बहुत तो ही ज्यादा। अभी इतना ज्यादा बड़ा क्यों आया, अभी तो सो के उठी है। अभी क्या है, हम रात को बहुत ही लेट आए सुबह, मतलब मेहमान थे तो जल्दी जल्दी उठ गया और दोपहर सो रही थी ना, अभी मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही। कनिष्क उठ गया। कनिष्क के याद आया, कनिष्क देखो वहाँ पे ना ये एक चीज देख रहा है, नीचे गोले वाला अंकल आया है और यहाँ से देखो वो मुंडी मार के देख रहा है। हाँ देखो देखो देखो, उसका ऐसा लगे उसको खाने देने वाले हैं, बट एक्चुअली नीचे बच्चे खेलते रहते हैं तो वो यहाँ पे देखता रहता है। अभी वो ऐसा जिद नहीं करता कि मुझे नीचे जाना है, यहाँ से एंजॉय कर लेता है। सब लेडीज बोलते हैं तो बा बा करता रहता है। यस, और सारिका एक स्पेशल चीज बोलना चाहता हूँ, कल के वीडियो में बहुत ऐसे कमेंट आए है तेरे बालों के बारे में, तो क्या बोलना चाहते हो आप? तो सभी को एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे बालों को इग्नोर करके हमारा वीडियो एंजॉय करो। और इग्नोर वो करेंगे, मैं नहीं करूंगा। मेरे को तो पहले दिखता है ना, बट हाँ एक चीज है गाइस कि मैं क्या होता है कि जब भी सारिका कुछ काम काज करती रहती है ना, तो उसको पता नहीं रहता है कि उसके बाल कैसे है, तो मैं मस्ती मजाक करके उड़ाता रहता हूँ। शी इज ट्राइंग हर बेस्ट टू मेक हर हेयर लुक प्रीटी, बट बच्चों में घर में ये उसको टाइम नहीं मिलता है। मेरा क्या, अभी समर में तो इतनी गर्मी रहेगी ना, तो हम सुबह सुबह नहा धो के 6:30-7 बजे वो हेयर बना लेते, बाद में तो मुझे याद भी नहीं रहता, मैं जब मिरर में देखती हूँ तो भी मुझे मेरे बाल पता चलता है कि ये सा है। बाकी वो ऐसा मुझे एक हमारे वैसे क्या है कि अच्छे मतलब कि व्लॉग आते हैं, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं कुछ नहीं, जो भी नेचर चल रहा है वही है, तो वही है। सभी का क्या, अपने घर पे बाल ऐसे ठीक रहते हैं? मेरे तो नहीं रहते। एनीवे ये सब मस्ती मजाक की चीजें हैं। और मेरे डार्क सर्कल के बारे में भी, वो डार्क सर्कल क्यों दिख रहे थे उसका रीजन बताऊं? आपने अगर नोटिस नहीं किया तो बताना चाहता हूँ, तो कल मैंने है ना मेरा जो पुराना वाला कैमरा है ना फ्यूजी वो यूज किया था व्लॉग के लिए, तो मैंने देखा कि भाई वो चल रहा है कि क्या चल रहा है, गर्म हुए कि वैसे भी डार्क सर्कल का भी मेरे वो क्या है वारसा में ही है, मेरे बहन को है, मेरे फई को है, मेरे पापा को भी थोड़ा बहुत है, तो वो हेरिडिटी में है, तो उसकी दवाई ऐसे भी कुछ फेर नहीं पड़ेगा। अभी आपको एक बहुत बढ़िया सा व्यू दिखाता हूँ, अगर आपको दिख सकता है तो देख लो, ये और ये और ये जो बोपोरे खा दो तो ने बोपोरे खा दो ने मम्मी नहीं खाए आम जो हम पड़ ये जो मम्मी सुके सुन लिसन मम्मी सुके तो खबर झापट खावी हो तो मर से गोड़ो नहीं खावा दे। तो ये मोहतरमा नीचे से ऊपर आ चुकी है बहुत ज्यादा मात्रा में, क्या बोलते हैं, जिद करने के लिए। नहीं, गर्मी गर्मी होती है तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि गोला पार्टी करो, ये पार्टी करो, वो पार्टी करो, फ्रूट्स खाओ। हाँ ओके हिजू, जितना बने उतना फ्रूट्स खाने का, हाँ ये सब एंजॉय करो। जी तो आप आले इतना तो फिनिश करो। हिजू को हर रोज ऐसा रहता है, नीचे जाती है ना तब सब बच्चों के साथ खाना होता है, अकेले के साथ नहीं खा रहा। तो देखो भागा भाग भाग भाग, एक तो ये हमारा कनिष्क जो है ना वो इतना, आप समझ जाओ हमारा पूरा दिन ऐसे ही निकलता है गाइजीज एंड गर्ल्सिस। एनीवे गाइज चलिए आज का वीडियो संडे का टाइम इसी के साथ ऐसे ही हम लोग एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर डालो। वी विल सी यू टुमारो। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।